की सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। उससे पहले 10 वर्ष तक याद है ना, 10 वर्ष कैसे गए, रिमोट सरकार के 10 वर्ष कैसे थे याद है ना। हर दिन अखबार में खबरें क्या आती थी, हर दिन घोटाले गपले फैसले न लेना। सरकार को भी दुनिया ने अच्छी तरह परखा है। आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में अनुभव कर रही है। तो बीते 5 वर्ष की आपकी मेहनत का परिणाम है। अब आपको तय करना है, जब इस बार आप वोट देने जाएंगे, आप देश का फैसला करने जा रहे हैं, देश किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं। तो आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। क्योंकि मामला महाराष्ट्र का था तो नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर सीधा अटैक किया। मोदी ने कहा कि शरद पवार का रुख देखकर हैरानी हो रही है, जिन शरद पवार ने राष्ट्रीयता के मुद्दे पर कांग्रेस तोड़ दी थी, अलग पार्टी बनाई थी, वही शरद पवार अब कश्मीर में अलग विधान और अलग प्रधान की मांग करने वालों के साथ खड़े हुए हैं।